हेलो दोस्तों, एट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बीएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। फ्रेंड्स, आप वीडियो में जरूर लास्ट तक बने, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, और उसी पैटर्न पर यह जो है क्वेश्चन तैयार किया गया। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में जो है अंत तक जरूर बने रहेंगे। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि यह जो है इस सीरीज का चौथा सेट है। इससे पहले 3 सेट अपलोड हो चुका फ्रेंड्स, अगर आप अभी तो उसको नहीं देखें जाकर देखें, उसका अपन लिस्ट बना हुआ है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अभी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, और अपनी तैयारी को जरूर से जरूर फ्रेंड्स अपनी बेहतर बनाते रहें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता था? शोहरत-ए-आम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है रिपीट हुआ है एग्जाम में, और अपनी तैयारी को आप अच्छी तरह से फ्रेंड्स क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करना है आपको, क्योंकि आपने पढ़ा है पहले से ज़्यादा, उसको सिर्फ रिविज़न करना, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको निकालना है कोई एक आपको पोस्ट लेना है, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की रिवीजन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न देख सकते हैं, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध, देख सकते हैं, अश्वमेध यज्ञ किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रश्न है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो सुदर्शन झील जो है चंद्रगुप्त मौर्य, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, यानी बटा था? तो ये जो है फ्रेंड्स 7 वर्गों में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जो है इस सब क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो ये पुरुषपुर, जो कि अब पेशावर के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कुट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार जो है रिपीट हुआ है, सासाराम में है। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो ये गौतमी पुत्र जो है सतकर्णी थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो है आंसर हो जाएगा भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1861 के तहत ऐसा हुआ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान में है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भाखड़ा नंगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये है फ्रेंड्स, गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है, गोविंद सागर झील, ये काफ़ी फेमस है फ्रेंड्स। आपको पता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल, सबसे लंबा बांध की बात होती है तो वो हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न है, किस ग्रह के लाल तारा यानी रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है? किस ग्रह को? तो ये किस ग्रह को दी जाती है? मंगल को। आपको पता है मंगल ग्रह का कलर जो है रेड। उत्तरी अमेरिका में, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मेकिले किस पर्वत की चोटी है? तो माउंट मेकिले जो फ्रेंड्स ये किस पर्वत की चोटी है? ये रॉकीज़। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ये जो है पोल्डर के नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो है टेम्स नदी के तट पर, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, ये टेम्स नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो ये कोलार की खान है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, और ये सोने के लिए फेमस है, सोने उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो इसरो कहाँ है? बेंगलोर में, जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है बार बार, आपको अच्छी तरह से देखना है वीडियो को अंत तक। आप फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? ये पुणे में। अगला प्रश्न है,
मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो ये उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का जो है संयुक्त जो है उपक्रम है मचकुंड जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये नंदा देवी होगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का जो है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो आपको पता है कि महाराष्ट्र इसके लिए फेमस है नगरीकृत राज्य के लिए। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल ब्लू पर्वत है ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेक्स टेंस एक उपकरण है जो मापता है, क्या मापता है? तो दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है इसका, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें सल्फर डाइऑक्साइड इसका माना जाता है। अगला प्रश्न, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? तो घनत्व घट जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने खोजा, जितने भी इसमें अभी है साइंस के ये प्रश्न है फ्रेंड। किण्वन क्या है? किण्वन है एक जैविक उत्प्रेरक। किस अम्ल का उपयोग शीशा चाह संचायक बैटरी में किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक अम्ल में ऐसा होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को ही डाला जाता है बैटरी में। अगला प्रश्न आप यहाँ से देखेंगे, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो ये चालन विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हो फ्रेंड्स क्या है, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो ये जो है आइसोहाइट समवर्षा के लिए होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है। विटामिन ए की कमी कारण कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होती है, आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है? तो ये फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर, आपको पता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है टाइप में मिस्टेक है, तो ये आपको याद रखना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता हुआ है मादा एनोफिलीज। अगला प्रश्न है फ्रेंड, चर्बी को हजम करने में जो पीन द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता कहाँ से? यानी चर्बी को जो हजम करने के लिए स्रावित होता है जो पीन द्रव वो कहाँ से होता है? तो ये जिगर से होता है। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इसी तरह अपनी तैयारी को आप बनाए रखें, डेली क्वेश्चन का रिवीजन करें, आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप फ्रेंड्स अच्छे से जो है एग्जाम परफॉर्म कर पाएंगे, पीटी आसानी से निकलेगा, उसके बाद आप मेंस कर पाएंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, तब तक जय जय भारत।